चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। करें फिगर सो जे स्ट्रिंग स्टिच्ड बाय ब्लॉक। फिगर में से दिखाया गया है कि एक स्ट्रिंग है जो किसी ब्लॉक से लटा करके इसको टाइट कर दिया गया है। एक स्ट्रिंग को एक ब्लॉक से लटा कर टाइट कर दिया गया और रस्सी एक पुल्ली पर से गुजरा हुआ है। गोइंग ओवर ए पुल्ली द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 10th हार्मोनिक। और ये जो स्ट्रिंग है अपना 10वां हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। 10वां हार्मोनिक का मतलब किसका फ्रीक्वेंसी होगा 10 गुने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चूंकि ये 10वां हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। 10 हार्मोनिक का मतलब हुआ किसका फ्रीक्वेंसी होगा 10 गुने फंडामेंटल। ये जो हार्मोनिक इन यूनिसॉन विद ए पार्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क, आई जो फ्रीक्वेंसी किसी पार्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मान लो किसी ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो न्यू का मान अभी कितना है 10 न्यू एफ के बराबर है। यही न्यू, ये जो न्यू है वैल्यू, इसके लिए 10वां हार्मोनिक। किसी ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी इसके 10वां हार्मोनिक के बराबर है, लेकिन यह फ्रीक्वेंसी इसके लिए 10वां हार्मोनिक है। लेकिन कहता है कि एक बीकर में पानी ले लीजिए और बीकर जो पानी से भरा हुआ उसमें इस ब्लॉक को डाल दीजिए। एक बीकर लेके जाइए और यहाँ पर नीचे से रखिए ऐसा कि ब्लॉक उसमें डूब जाए, तब यही फ्रीक्वेंसी इस रस्सी के लिए 11वां हार्मोनिक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इसमें डाल देंगे तो टेंशन तो कमेगा, तो टेंशन कमेगा तो इसका फंडामेंटल तो कम हो जाएगा। इसका फंडामेंटल, इसके फंडामेंटल से फ्रीक्वेंसी कम होगा क्योंकि यहाँ टेंशन का मान कम होगा। क्योंकि यहाँ पर जब ब्लॉक को हम लोग पानी में डालेंगे तो बायंसी फोर्स काम करेगा। बायंसी फोर्स काम करने से रस्सी में जितना टेंशन होना उतना टेंशन तो होगा नहीं। अब टेंशन का मान घटेगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान डाउन होगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके फंडामेंटल का 10 गुना है, इसके फंडामेंटल का 10 गुना है, इसके फंडामेंटल का तो 10 गुना नहीं होगा क्योंकि इसका फंडामेंटल थोड़ा डाउन हो गया है। तो कह रहा है इसके फंडामेंटल का 11 गुना है, यही फ्रीक्वेंसी न्यू, यही ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी जो न्यू है इसके लिए 10वां हार्मोनिक है और इसके लिए 11वां हार्मोनिक है। मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, 10 गुने फंडामेंटल इसका और 11 गुने फंडामेंटल इसका, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों तो ही न्यू है। उसी ट्यूनिंग फॉर का जो फ्रीक्वेंसी है इसके लिए 10वां हार्मोनिक है, इसके लिए 11वां हार्मोनिक है। क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल कम है, तो इसका फंडामेंटल गुने 11 करेंगे तो आएगा, इसका फंडामेंटल गुने 10 ही करेंगे तो आएगा। तो यहाँ टेंशन कैसे निकालेंगे? बोले बेट बेट रबर ब्लॉक का वॉल्यूम भी, ब्लॉक का डेंसिटी रो और गुने जी, और यहाँ बॉयंसी, तो ब्लॉक का पहले बेट एम जी और माइनस बॉयंसी, बॉयंसी बराबर इसका वॉल्यूम जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी, पानी का डेंसिटी सिग्मा मान लिए इंटू जी। और क्वेश्चन के मुताबिक ये भी फ्रिक्वेंसी यही है, ये भी फ्रिक्वेंसी यही है, तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जब ये दोनों को बराबर करेंगे तो 2L से 2L कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, तो 10 का हो जाएगा ये 100 और ऊपर अंडर रूट टी बराबर 121 और ये टी डैश स्क्वायर कर देंगे। 2L 2L कट गया, म्यू से म्यू कट जाएगा, बाकी ऐसे रह जाए। तो 100 आई टेंशन का मान होगा भी रो जी, आई टेंशन का मान होगा भी रो माइनस सिग्मा इनटू जी, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो 100 रो बराबर 121 रो माइनस 121 सिग्मा, तो सिग्मा तो है पानी का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी अगर हम ग्राम पर सीसी में लेके चलते हैं तो 1 ग्राम पर सीसी, ऐसे लेके चलेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम 1 ग्राम अगर पर सीसी ले लें तो 121 में 100 चला जाएगा, तो 21 रो बराबर 121 ग्राम पर सीसी, तो रो बराबर आएगा 121/21, तो 121/21 का मान आ रहा है 5.761। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा 121/21 ग्राम पर सीसी बराबर 5.676 ग्राम पर सीसी। अगर 10^3 से गुना कर देंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आंसर 5.8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10³ गुना करके लिखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर ऐसे छोड़ें तो ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 56। ए 2 मीटर लॉन्ग रोप
हैविंग ए मास 80 ग्राम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड इज टाइड टू ए लाइट स्ट्रिंग एट द अदर एंड। एक एंड पर टाइट है गम, एक एंड पर हल्का रस्सी से टाइट, इसका मतलब फ्री एंड हो गया। ये हो गया क्लोज एंड और ये हो गया ओपन एंड, क्योंकि पतला रस्सी से टाइट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 256 न्यूटन। 200 मीटर लॉन्ग रोप, 2 मीटर लॉन्ग रोप, इसके बारे में बोला गया है कि रोप है और ये एक स्ट्रिंग है। रोप हैविंग ए मास 80 ग्राम, इसका मास 80 ग्राम, इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड इज टाइड टू लाइट स्ट्रिंग एट द अदर एंड। तो ये जो कहानी इसका चल रहा है मेन रूप से क्लोजिंग ओपनिंग, रस्सी इसका लंबाई 2 मीटर, इसका मास 80 ग्राम, क्लोजिंग हो गया ओपनिंग हो गया। कह रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 256 न्यूटन, जब इसमें 256 न्यूटन टेंशन है, जिसमें टेंशन का मान 256 न्यूटन ही होगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट 2 ओवर टोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर वी बाई फोर एंड फर्स्ट 2 ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन बराबर 3 गुने फंडामेंटल और आपका सेकेंड ओवर टोन बराबर 5 गुने फंडामेंटल, क्योंकि तो हो गया आपका एक इंड ओपन एक इंड क्लोज वाला, तो फंडामेंटल तो होगा वी बाई फोर एल, तो वी बराबर टी अबाई म्यू, म्यू का मतलब मास बटा लेंथ, तो मास और बटा लेंथ का रूट ओवर अबाई फोर एल। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 256 और 40 गुने 256 गुने 2 80 से पावर माइनस 3 और 4 गुने 8, तो ये आपका आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। 256 और 10 के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 2, 2 चौका 8, 16 गुने 16 256 तो 16/2 = 8 80, क्या गया हम लोग का 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो 80 आएगा ई अबाई फोर एल यानी 4 × 8 तो आ गया आपका 10 हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज और ये 50 हर्ट्ज। फाइंड द वेवलेंथ इन द फंडामेंटल एंड फर्स्ट ओवरटोन, वेवलेंथ बताना है फंडामेंटल में वेवलेंथ और फर्स्ट ओवरटोन में वेवलेंथ, नहीं फर्स्ट ओवर टोन दोनों में, फर्स्ट टू ओवर टोन दोनों में बताना है वेवलेंथ। तो फंडामेंटल में वेवलेंथ क्या होगा, फंडामेंटल में एक क्लोज इंड है और एक ओपन इंड है, तो एक होगा आपका नोड एक होगा एंटी नोड, तो नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी बराबर लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा बाई फोर बराबर 2 मीटर, तो लैम्डा बाई फोर बराबर 2 मीटर, तो लैम्डा बराबर 8 मीटर, तो पहला आंसर आएगा लैम्डा बराबर आपका 8 मीटर। ये हो गया फंडामेंटल वाला, फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन में क्या हो जाएगा 3 λ/4, फर्स्ट ओवर टोन ये हो गया फंडामेंटल, फर्स्ट ओवर टोन का मतलब फर्स्ट ओवर टोन 3 × λ/4, तो 3 × λ/4 बराबर 2, 3 × λ/4 बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 8/3 मीटर। और आपका सेकेंड ओवर टोन, तो सेकेंड ओवर टोन का जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा 5 λ/4, तो 5 λ/4 बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 8/5 मीटर। तो फंडामेंटल में लैम्डा का मान 8 मीटर, फर्स्ट ओवर टोन में लैम्डा का मान 8/3 और फिर 8/5, 8 2.67 और 1.6 भागा देने के बाद आपका आ जाएगा।
लास्ट सवाल देखते हैं 57। ये हैवी स्ट्रिंग एक ट्रॉली है, मोटा वाला रस्सी और एक पतला सा रस्सी। बताया जा रहा है कि हैवी स्ट्रिंग इज टाइट एट वन इन टू ए मूवेबल सपोर्ट। एक हैवी स्ट्रिंग है जो एक मूवेबल सपोर्ट से आगे पीछे मूव कर सकता है, वैसा सपोर्ट में टाइट बांधा हुआ है। एंड टू लाइट थ्रेड एट द अदर एंड, और अदर है लाइट थ्रेड हल्का है, इसका मतलब हो गया क्लोज, आई हो गया ओपन इन। So in figure, the thread goes over a fixed pulley and supports a weight to produce a tension. एक पुल्ली पर से रस्सी गया, उसमें ब्लॉक लटका दिया गया ताकि इसमें टेंशन पैदा हो। The lowest frequency of which the wave was heavy string resonates is 120 Hz. इसका lowest frequency 120 Hz मतलब fundamental. Fundamental बराबर 120 बराबर V by 4 है। Fundamental का फॉर्मूला V by 4 है। इफ द मूवेबल सपोर्ट इज पुश टू राइट बाई 10 सेंटीमीटर, अगर इसको 10 सेंटीमीटर इधर कर दिया जाए, जब ये 10 सेंटीमीटर ट्रॉली यहां चला जाएगा तो ये जो पूरा पूरा जो मोटा वाला पार्ट है रस्सी का यहां चला जाएगा। और ही बन जाएगा क्लोज, और ही बन जाएगा क्लोज, तब जो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा वी बाई टू एल। देखिए उनको पता है वी बाई फोर एल बराबर 120, तो वी बाई टू एल बराबर वी बाई फोर एल इंटू टू बराबर 240। तो सवाल यही है कि व्हाट इज बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द हैवी स्ट्रिंग कैन रेजोनेट। अब यहाँ जब चला गया हैवी स्ट्रिंग तब बताओ इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी 240। आपका खत्म हुआ 57 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 साउंड वेव के बारे में, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। ये था आपका स्ट्रिंग वेव, एक बार बात करेंगे हम लोग साउंड वेव। नेक्स्ट सवाल है आपका 89, बहुत सारे सवाल हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साउंड वेव देखेंगे।